ऐसे सपने तुम लोग भी देखते होगे ना, जब विद्यापीठ में पढ़ रहे होते होगे, हॉस्टल में, है ना। तू एम्स दिल्ली में, मैं सफदरगंज में होंगे, हम लोग मिलेंगे, शाम को घूमने जाएंगे। बस बस बस, हाँ होने तो दो तुम्हारा। आपका वो दोस्त भी आया ना डिस्कशन वाला, आओ तुम भी आओ, इधर आओ, तुम्हारी भी कहानी सुनते। तो तुम दोनों का निकल गया। अच्छा तुम आए उसको सपोर्ट करने। तो अच्छा, एनआईटी जयपुर में पहले से पढ़ रहे थे तुम, अब हुआ है तुम्हारा एनआईटी जयपुर में, और तुम आईआईटी बीएचयू में गए हो, ये बढ़िया है यार। डिप्रेशन का तो माहौल था ही। फिर कुछ लोग ये भी बोलते थे कि जैसा आप बता रहे थे, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हुआ तेरा तो कहीं जो मिल रहा है ले ले। तो अब मैं कंसिडर करने लग गया था वो सब, तो मैंने ले लिया था मणिपाल जयपुर में एडमिशन। अब दोस्ती है कि अभी थोड़ी कम हो रही है इन सब बातों से, बची है अभी भी। चलो सही है, मैं मजाक कर रहा था वैसे भी। तुम लोग की एक साथ उंगली टूटी, ऐसी क्या दोस्ती। ला ला भाई, अरे ला, इसको ही बराबर कर देते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट आ रहे हैं आईआईटी बीएचयू से आशीर्वाद मिश्रा। अच्छा यही है, तेरी तो कहानी सुनी थी मैंने, फिर से सुना क्या था। हाँ सर, वो एक्चुअली साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है, ठीक है। हाँ सर, वो एक्चुअली मेरा तो ड्रॉप का कोई प्लान ही नहीं था, जैसे आपको पता ही है। अब कैसे पता है, ऐसा थोड़ी रोज बात हो रही है मेरी तुम्हारी। तुमको तो पता ही है, कल बताया था। हाँ फिर सर, तो फिर पहले तो हुआ नहीं कहीं सिलेक्शन 12th के बाद, तो डिप्रेशन का तो माहौल था ही। फिर कुछ लोग ये भी बोलते थे कि जैसा आप बता रहे थे, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हुआ तेरा तो कहीं जो मिल रहा है ले ले। तो अब मैं कंसिडर करने लग गया था वो सब, तो मैंने ले लिया था मणिपाल जयपुर में एडमिशन। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद अचानक से क्लिक करा, एक ट्रिप मार गया है दोस्त के साथ, उसके बाद अचानक से क्लिक कर गया। आपके पेरेंट्स आए? पेरेंट्स तो नहीं आए सर। हाँ। अचानक से क्लिक कर गया कि अब क्या ड्रॉप ले लेते हैं। एक दोस्त के साथ डिस्कशन हुई, 3-4 घंटे डिस्कशन चली हमारी, फिर हमने सोचा अब ड्रॉप लेते हैं। अगले दिन एनएसपी विद्यापीठ चले गए। इस 3-4 घंटे में आईआईटी के अराउंड कितनी देर बात हुई थी? नहीं सर। हाँ। इस 3-4 घंटे में सिर्फ सीरियस डिस्कशन हुआ कि सीरियस डिस्कशन दोस्त के साथ, मतलब सीरियस 3-4 घंटे। मम्मिया भी थी ना सर, इसलिए उस डिस्कशन में मम्मिया भी इन्वॉल्व थी। तो हम तो बस फीस भरने गए थे कि मतलब एक साथ अब फीस भर देंगे। फिर अचानक से क्या वो ड्रॉप ले लेते हैं, उधर आई तो हमने सोचा चलो ड्रॉप लेते हैं। अगले दिन एनएसपी विद्यापीठ है, सर ने भी बोला कि अगर तुम कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास है तो आ जाओ, अभी मेहनत इतनी करनी पड़ेगी। हमने सोचा यार सही है, क्या पता कुछ बढ़िया हो जाए, तो बस ड्रॉप लिया, पढ़ाई चालू करी। उसके बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू करी एंड फिर रिजल्ट तक आ गए। आप एनएसपी विद्यापीठ में मुझको, तब आपका शायद मेंस निकला था उस वक्त, मेंस निकला था। मतलब मेंस में कितने नंबर थे? मेंस में रफली 6000 रैंक आई थी। और फिर एडवांस में कितनी रही? थोड़ी उसमें गिर गई थी, 13000 रैंक तक। 13000 रैंक है। आईआईटी बीएचयू में क्या ब्रांच मिला वहाँ पे? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल। बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? फादर का सॉफ्टवेयर में, मतलब अपना ही स्टार्टअप टाइप है, सॉफ्टवेयर का स्टार्टअप है। वाह, आपको भी प्लान है स्टार्टअप का आगे? क्या बात है, बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपका वो दोस्त भी आया ना डिस्कशन वाला, आओ तुम भी आओ, इधर आओ, तुम्हारी भी कहानी सुनते हैं। तो तुम दोनों का निकल गया। अच्छा तुम आए उसको सपोर्ट करने। तो अच्छा, एनआईटी जयपुर में पहले से पढ़ रहे थे तुम, अब हुआ है तुम्हारा एनआईटी जयपुर में, और तुम आईआईटी बीएचयू में गए हो, ये बढ़िया है यार। ऐसे सपने तुम लोग भी देखते होगे ना, जब विद्यापीठ में पढ़ रहे होते होगे, हॉस्टल में, है ना। तू एम्स दिल्ली में, मैं सफदरगंज में होंगे, हम लोग मिलेंगे, शाम को घूमने जाएंगे। हाँ है ना, देखा करो, देखने में देखो अच्छी बात है। बस बस बस, हाँ होने तो दो तुम्हारा, समय तो आने दो, जिनका हो गया है उनसे बात करने दो। तो एक और फ्रेंड है, आओ भाई तुम भी आओ, आ जाओ। अरे अरे बस 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 बस, तुम कहाँ पे हो? एनआईटी राउरकेला में हो। आईआईटी बीएचयू, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी एमएनआईटी जयपुर। सही यार, तुम लोग की तो मतलब ये एलीट दोस्त हो तुम लोग काफी यार, मतलब सर्किल में तुम तीनों की आपस में अच्छी दोस्ती है। जलन जलन नहीं है, खुशी है। मैं तो तीनों में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है? आईआईटी बीएचयू। हाँ तो बस ठीक है। और सेकंड नंबर पे एनआईटी राउरकेला तुम्हारा सबसे लो वाला, ठीक है। क्या डिफेंड क्यों कर रहे हो? हाँ तो ठीक। अब दोस्ती है कि अभी थोड़ी कम हो रही है इन सब बातों से? बची है अभी भी, चलो सही है। मैं मजाक कर रहा था वैसे भी। कैसा आप लोगों का कंपटीशन बहुत होता था आपस में? वैसे मजाक करता, बताएं अपना नाम बताएं। माय नेम इज सुजल मौर्या, आई एम फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर सीएसई ब्रांच। और हम तीनों ही एक ही कोचिंग में थे, एनएसपी विद्यापीठ में। और हम आप एनएसपी विद्यापीठ में थे? हाँ, अच्छा ये वही दोस्त है जिसके बाद तुम तीनों? यस सर। तो सेम बैच भी था कि बैच? सेम बैच सेम क्लासरूम, सेम डेस्क पे बैठते थे हम, सेम डेस्क पे। अरे यार ये सही है यार, वाह। मतलब हमें कोई भी, वाह, हम ग्रुप स्टडी बहुत अच्छे से करते थे। कोई भी दिक्कत होती थी एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हम आपस में सेट कर लेते थे। बैच कौन सा था आप लोग का? पीजे 401 एमए। पीजे 401 एमए, एक ही बैच से सब लोग? यस सर। फोर्थ बैच था लास्ट बैच? यस सर, ड्रॉपर, फोर्थ फेज जो होता है लास्ट फेज वाला। यस सर। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बताओ अपनी जर्नी के बारे में बताओ। स्टार्टिंग में तो 12th तक मुझे पता नहीं था कि जेई की तैयारी कैसे करते हैं। मैंने कोचिंग का वो नॉर्मल ट्यूशन्स वगैरह जाता था और सीबीएसई वाला पढ़ता था। मैंने दिया एग्ज़ाम, उसके बाद मेरा हुआ नहीं था उस टाइम पे, मेंस भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा अब देखते प्राइवेट कॉलेज वगैरह, बट उस टाइम पे पीडब्ल्यू एनसेट चल रहा था। तो पापा ने कहा कि एक बार दे के देख ले, तो मैंने उसको दिया। तो उसमें 60% स्कॉलरशिप थी। हाँ। तो मैंने सोचा जब इसमें इतनी आ गई तो थोड़ा एक बार ट्राई मारते, ड्रॉप लेते हैं। तो उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया और फिर हम सब मिले साथ में और ग्रुप में हम पढ़ते थे। तो इस साल मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, बट एमएनआईटी में हो गया। ऐसे मत बोले, आईटी में ऐसे बोला, एनआईटी में हुआ है ऐसे मत बोला कर, मजाक करा रहा है। और एक कोट मेरे को बहुत बेकार लगता है, हम रिलेटिव ने एक बार मुझे कहा था कि एनआईटी में तो हुआ है, आईआईटी में तो वैसे भी नहीं हुआ। लेकिन अब आज वो कहाँ पढ़ते थे? वो नहीं पढ़ते, रिलेटिव थे। तो बट अब आज मैं भी खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स भी खुश है कि हाँ मेरा लड़का एमएनआईटी में पढ़ रहा है, सीएसई ब्रांच में। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम रियली रियली हैप्पी, रियली हैप्पी भाई, रियली हैप्पी। आप बताओ भाई। हेलो, ये तुमने तोड़ दी उसकी उंगली क्योंकि एनआईटी राउरकेला मिला उसे? ये क्या है तुम्हारी? इसकी उंगली तोड़ो यार, एक बराबर करो पहले। ये क्या हरकत है? ये बास्केटबॉल खेल रहे ज्यादा, क्या तुम लोग क्या उंगली लड़ा रहे थे आपस में ऐसे करके? नहीं, बास्केटबॉल खेल रहे थे। बास्केटबॉल? तो दोनों की एक साथ उंगली टूट गई। इसने तो पंखे में हाथ दे दिया, इसने तो दे नहीं दिया था, फैन में हाथ डाल दिया तुमने। कुछ सामान उठा रहा था, रोक तो नहीं रहे थे फैन ऐसे उंगली डाल के? आईआईटी बीएचयू प्लीज ऑडिट करें अपने स्टूडेंट्स की, मुझे डाउट हो रहा है ये सब। तुम लोग की एक साथ उंगली टूटी, ऐसी क्या दोस्ती? लो लो भाई, लो इसको ही बराबर कर देते हैं, तीनों का हिसाब। वो कह रहा लाओ मैं कर देता। हाँ बेटा आप बताओ। मैं संतोष, हो जाता है हो जाता है। अच्छा हम लोग मिले थे वीडियो कॉल पे लास्ट ईयर पे। आप लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गए थे।